वैसे तो ये पूरा घटनाक्रम जो है ये आम आदमी पार्टी का एक अंदरूनी इंटरनल मामला है, लेकिन इसका सरोकार जो है वो दिल्ली की जनता से भी है। और पिछले कई दिनों की जो लगातार हम घटनाक्रम देखते रहे हैं उसमें बड़ा स्पष्ट हो गया है कि ये एकमात्र सत्ता की और अफसरवाद की ये कोई लड़ाई लड़ी जा रही है आम आदमी पार्टी के अंदर। इसमें ना तो कोई हम सिद्धांत देखते हैं, ना ही इसमें कोई लोकतंत्र दिखने को मिल रहा है, ना ही ये कोई विचारधारा की लड़ाई है। ये स्पष्ट रूप से अवसरवादी ही लड़ाई दिखती है। हमारी मुख्य चिंता ये है कि दिल्ली की जनता ने बड़े विश्वास के साथ आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया ताकि दिल्ली एक विश्व स्तरीय नगरी बन सके, यहां पर विकास हो। लेकिन आज ये दिखता है कि ये चीजें सब पीछे बिछड़ गई हैं और सत्ता के नाम पर पद बांटे जा रहे हैं, जैसे 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अनाउंस हो गए हैं छोटे से राज्य दिल्ली में। और बड़ा प्रश्न इसके साथ ये जुड़ता है कि आम आदमी पार्टी कब तक झूठे आरोपों के आधार पर अपने ही कहे मूल्यों से और अपने ही कहे वादों से भागती जाती रहेगी, कब तक भागती रहेगी। दिल्ली की जनता आज ठगा महसूस कर रही है क्योंकि उन्होंने ऐसी राजनीति के लिए, ऐसे आरोपों की राजनीति के लिए उन्होंने कभी भी वोट नहीं दिया था। वो आशा का वोट था। आम आदमी पार्टी निराशावादी अपने व्यवहार से उस आशा का पर बुरी तरह से धोखा कर रही है। इंग्लिश में इसेंशियली दिस इज एन इंटरनल मैटर ऑफ द आम आदमी पार्टी, बट इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द पीपल ऑफ दिल्ली हु वोटेड इन अ हिस्टोरिक मैंडेट फॉर दिस पार्टी ऑन द होप दैट डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस इन दिल्ली एंड इट कैन बिकम अ ग्लोबल सिटी। इफ वी लुक एट द इंसिडेंट्स ओवर द लास्ट फ्यू डेज, clearly all of this has to do with a fight for power. It's a fight for opportunism. It's a fight of opportunism. This is not a fight of principles, nor do we see any values in this fight, nor is there any element of internal which they used to speak about. Clearly this is a fight for power and the fruits of power. Just as the 21 parliamentary secretaries were appointed for a small state like Delhi, its distribution of power and protection of those interests. We are concerned that the people of Delhi, in return for the historic mandate, should not get a government that on a daily basis tries to level false allegations against somebody else to cover up for their own non-performance, or tries to cover up their own quest for power without focusing on the work by putting allegations against all. Delhi will not progress on the basis of allegations and on the basis of this kind of politics. आम आदमी पार्टी का मॉडल अभी तक जो दिख रहा है उसमें सब पर आरोप लगाते हैं, सबके साथ झूठे आरोपों के आधार पर खींचा खांची करते हैं और जनता के सामने जाके कहते हैं हम क्या करना चाहते थे, इन्होंने हमें रोका।
पहले वो सबके खिलाफ दुनिया में आरोप लगाते थे, अब अंतरूनिक मामलों पर ही एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। कभी वो हरियाणा सरकार पे आरोप लगाएंगे पानी के लिए, कभी एमसीडी पर आरोप लगाएंगे। हमें ये चिंता है कि वादों पर काम ना करके, खुद प्रयास ना करके वो हर दूसरे व्यक्ति या सरकार पर आरोप लगाएंगे ताकि अपना हाथ वो धो सके अपने वादों से। दिल्ली की जनता के साथ ऐसा विश्वासघात नहीं होना चाहिए। संवैधानिक प्रक्रिया में जिस जिसकी जो जिम्मेदारी है, सबको वो जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, और जो भी संवैधानिक जिम्मेदारियों से भागेगा या उसका दुरुपयोग करेगा उसे जनता के सामने जाकर जवाबदेही देनी होगी। धन्यवाद।